एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी आपको लेकर और उनका अगला कदम क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की पर्सन की एनर्जी क्या होगी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या होगी कमिंग 48 आवर्स में, नेक्स्ट 48 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द मजिशियन, द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस कमिंग 48 आवर्स आपकी लव लाइफ में हैवी एनर्जी लेकर आ रहे हैं। हैवी एनर्जी इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन, दो एनर्जी है यहाँ पर, तो मैं वन बाय वन बताती हूँ। जिसके लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है वो भी बताऊँगी अगले 48 घंटों में, 48 ही बोलते हैं ना 48 को, और जिनके पर्सन के लाइफ में कुछ ख़राब सिचुएशन हो सकती है वो भी बताऊँगी। तो अगर आने वाले 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो आपको ये बोलते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत जल्दी ही आपके लिए कोई ना कोई निर्णय लेने वाले हैं या लेने वाली हैं, इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता आपके बिना, ये बहुत अधूरा फील करते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं, समटाइम्स आपको स्पाई भी किया इन्होंने, कहीं ना कहीं से आपके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने कलेक्ट की, इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, बट किसी मजबूरी के चलते ये आपसे बात नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रही थी। किस मजबूरी के चलते ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। इसके बाद जिनके पर्सन नेगेटिव एनर्जी में है, मैं आपको बता दूं आप में से कुछ लोगों के साथ अगर अगले 48 आवर्स के अंदर ये होता है कि आपके पर्सन बिना कोई रीज़न बताए आपसे झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, पीछे हटते हैं, इग्नोर करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं आपके लाइफ में गलत तो नहीं कर रहे, अगर ये आपको आगे कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा। कोई ना कोई डर आपके पर्सन को सता रहा है जिसकी वजह से ये आपको जानबूझकर आपके सामने बुरे बनने की कोशिश कर सकती हैं या कर सकते हैं, बिना बात के झगड़ा कर सकते हैं, ताकि आपके मन में इनके लिए ये भावना उत्पन्न हो कि ये पर्सन तो बहुत गंदा है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू है, झगड़ा करने वाला है, टॉक्सिक है, अच्छा ही है कि ये मेरे लाइफ से चली जाए या चला जाए। तो आपको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करके ये निकलना चाह रहे हैं ताकि आप इन्हें याद ना करें, आप इन्हें मिस ना करें, उल्टा आप थैंक यू बोलें कि भगवान आपने बचा लिया। लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी, इनको अंदर से ऐसी भावना है जिसकी वजह से ये अपने आप को बुरा दिखाकर दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो भगवान ना करे किसी के साथ ये चीज़ें रेजोनेट हों, बट यहाँ पर एनर्जी है तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, जो भी दिख रहा है मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ दो तरह की वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपका हालचाल ले सकते हैं, अपना बता सकते हैं। और वहीं दूसरी एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपके पर्सन जानबूझकर आपको हर्ट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, या इनके लाइफ में इनको किसी से बहुत तगड़ा धोखा मिल सकता है, बहुत मूड ख़राब हो सकता है। तो आपको जज करना है आपके पर्सन की एनर्जी से कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पर्सन आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो आपके लिए ये एनर्जी होगी, और अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं और आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, रिप्लाई नहीं करते, पूरे पूरे दिन मैसेजेस नहीं करते, तो आप समझ जाएं कि आपके पर्सन किसी मुश्किल हालात में हैं। ऐसे में आप उनको स्पेस दे दें ताकि ये सिचुएशन आए ही ना।
अगर आप पूरी तरह से नो कांटेक्ट में हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके पर्सन खुद से कांटेक्ट नहीं करते, उनको रीच आउट मत कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा फॉर द कमिंग 48 आवर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अगला कदम क्या होगा? आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि ये आपसे बहुत बेहद मोहब्बत करते हैं। होपफुल रहिए, आगे चल के चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और कुछ लोगों के पर्सन आपको थोड़ा इग्नोर करेंगे, थोड़ा डिटैच होंगे, थोड़ा आपको एक्सक्यूज़ेस देंगे कि यार मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, या मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरे वर्क प्लेस में ये प्रॉब्लम है, या मेरी जॉब चली गई है, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो या मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं अभी बात नहीं करना चाहता। तो उनको स्पेस दे देना, किसी भी हाल में उनको छेड़ने की कोशिश मत करना, अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप पे बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सो गाइज़, ये थी फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। आने वाले 48 आवर्स में ये चीज़ें हो सकती हैं। सो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और होपफुल रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।